दोस्तों टीम इंडिया अभी आयरलैंड के दौरे पर है, जहां टीम 3 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। 30 अगस्त से श्रीलंका और पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप खेला जाना है, जिसमें इंडिया के सारे मैच श्रीलंका में होने वाले हैं। वहीं इसका फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि एशिया कप में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की टीम में वापसी हो सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुभमन गिल का बल्ला कुछ खास नहीं चला था, जिसके चलते अब शिखर धवन की टीम में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि शिखर धवन को टीम इंडिया में खेलने का बहुत अनुभव है और शिखर धवन बड़े टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिखर धवन को बैकअप सलामी बल्लेबाज के तौर पर रखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार का एशिया कप और वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।